नमस्कार दोस्तों, इसके लाइव लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसमें आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखा जाए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। चार ऑप्शन है, चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत, हेमाटाइट। सही उत्तर इसका हेमाटाइट। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। सही उत्तर इसका बढ़ता है, जंगल पर लोहे का भार बढ़ता है। फिर है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने से क्रोमियम मिलाते हैं, कार्बन मैग्नीज सिलिकॉन में क्रोमियम मिलाते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा सामान्यतः कॉपर सल्फेट ही कहलाता है, CuSO4। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को नाम क्या है, तो उस लेपन को हम एसद लेपन कहते हैं, एसद लेपन कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। चांदी सबसे सुचालक है। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व तो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, चांदी, तांबा, सोना, शीशा। शीशा सबसे भारी है, सीना शीशा सबसे भारी है। निम्न में से कौन सामान ताप पर द्रव है, तो शीशा है, पारा है, निकल है, टिन। सेकंड ऑप्शन जो है पारा, Hg, पारा जो है, पारा क्या है, द्रव धातु है। फिर अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयुक्त होने वाला पदार्थ है, सोडियम ऑक्साइड, मर्गन, सोडियम वेपर और नियान, मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी ऑक्साइड एवं आर्गन। तो इसका सही ऑप्शन है मरकरी वेपन और आर्गन, मरकरी वेपन और आर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध चालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो इसमें जर्मेनियम अर्ध चालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है, चार जर्मेनियम। फिर निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। सही उत्तर बी है, यूरेनियम सबसे भारी धातु, यूरेनियम सबसे भारी धातु, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं, तो आतिशबाजी के रंग किन लवणों द्वारा प्राप्त होते हैं, जड़यान एवं यश यानी जिंक और सल्फर। फिर है पोटेशियम एवं Hg, पारा, स्ट्रांसियम एवं बेरिलियम, Ba, क्रोमियम और निकल। ये सही उत्तर है स्ट्रांसियम एवं बेरिलियम, इसका सही सी ऑप्शन सही है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका सी ऑप्शन सही है। पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। सही उत्तर है क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। सभी जैव यौगिकों का रासायनिक सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक, तो कार्बन है, सी का सी ऑप्शन कार्बन है। फिर इसमें हम अगले प्रश्न की बात, बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, किसमें कार्बन नहीं है, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। फिर है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, बिटुमिन, सिलिगनाइट, पीट, एंथासाइट। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट, कोयला में कार्बन का प्रतिशत अंश अधिक होता है। सामान्यतः किस्म का कोयला
एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट। तो सामान्य किस्म कोयला क्या कहलाता है? सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस कहलाता है, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका बी ऑप्शन सही, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, कैल्शियम सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान प्रसीतक घरेलू प्रसीतरों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नियान, ऑक्सीजन, फ्रियान, फिर से कोई नहीं। एक सही उत्तर है फ्रियान। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट।